करेगा रोल ऑफ बैंकिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट. रोल ऑफ बैंक, जो बैंक का क्या रोल है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में. हमने पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, अपना एक सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, करंट अकाउंट खुलवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, ठीक है. तो वो सारी क्या है, हमारी सेविंग्स है ना. तो जनरली बैंक क्या करता है, प्रमोशन करता है सेविंग का. कैसे करता है, द बेसिक फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज टू मोबिलाइज द सेविंग ऑफ कम्युनिटी. कम्युनिटी की सेविंग करना एंड टू यूज इट इन प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट. उसको ऐसे यूज करना, उसको ऐसे लोन पे देना, लोन पे कोई भी अमाउंट बिना वेरीफाई करे, बिना चेकिंग के नहीं देते, क्योंकि इस अमाउंट का हमें मिसयूज नहीं चाहिए. कोई किसी गलत काम में यूज कर रहा हूँ, मीन्स किसी मिसयूज कर रहा हूँ मनी का. करप्शन होती है बहुत सारी चीजें, लेकिन हमारी बैंक की क्या रहता है कि जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसको यूटिलाइज करे इन द मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, ठीक है. सेकेंड है हमारे सेविंग हो गई, अब कैपिटल फॉर्मेशन होता है. उससे क्या होता है, फर्स्ट तो हमारा प्रमोशन ऑफ सेविंग, सेकेंड है हमारा कैपिटल फॉर्मेशन. कैपिटल फॉर्मेशन बनता है बाय एनकरेजिंग सेविंग अमंग द पीपल. बैंक्स प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन. बैंक क्या करता है, कैपिटल फॉर्मेशन करता है, विच इज द बेसिक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. दीज सेविंग आर यूज टू प्रोवाइड लोन टू इंडस्ट्रीज. कैपिटल पैसे से पैसा बनाना, कैपिटल का फॉर्मेशन करता है. कैपिटल का हमारा पैसा, पैसे से पैसा बनाना. इसका मतलब क्या है, इसको बैंक लोन पे चढ़ाएगा, इसमें से पैसा आएगा, बैंक जो देगा उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, जो मैंने उस दिन भी आपको बताया, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या होगा, कैपिटल फॉर्मेशन. तो उसको ऐसे बढ़ाना कि उसकी सेविंग कहां यूज हो, हमारी इंडस्ट्रीज में, बिजनेसेस में. हर कोई भी इंडस्ट्री चालू होती है विदाउट लोन नहीं चालू होती, हर किसी पर इतने इन्वेस्टमेंट नहीं होता, उनको थोड़ा बहुत लोन नीडेड होता है, तो बैंक से अपना प्रोवाइड करवाती है. बिजनेस, कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करोगे, हमें कैपिटल की नीड पड़ेगी, हमें मनी की नीड पड़ेगी. वो कहां से आएगी, हमारी बैंक से. बैंक से हम लोन चार्ज करेंगे. दैट इज द पॉइंट. रोल ऑफ बैंक इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमने दो पढ़े, प्रमोशन ऑफ सेविंग और कैपिटल फॉर्मेशन. थर्ड पॉइंट है हमारा फाइनेंसिंग फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्री. फाइनेंस प्रोवाइड करवाते हैं किसी भी ट्रेड को, किसी भी कोई भी इंडस्ट्री ओपन हो रही है, किसी भी चीज का हम ट्रेड कर रहे हैं, उसको क्या प्रोवाइड करता है, फाइनेंस. द बैंक इंक्रीज द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड बिजनेस एक्सपेंशन बाय प्रोवाइडिंग फंड टू एंटरप्रेन्योर. कौन होता है, उपभोक्ता, जो एक अपना नया बिजनेस स्टार्ट करता है. एंटरप्रेन्योर हम किसको कहते हैं, उपभोक्ता को, ठीक है. मॉडर्न इंडस्ट्री रिक्वायर्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल. एक नई इंडस्ट्री, आज के टाइम की इंडस्ट्रीज और पहले के टाइम की, अर्लियस्ट टाइम की इंडस्ट्री में बहुत फर्क है. पहले नॉर्मल होता था, 2-3 लाख ले जाओ इंडस्ट्री खोल लो, 10-20 लोग ले लो इंडस्ट्री खोल लो, वो आगे बढ़ती बढ़ती जाती है. लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है. प्रॉपर मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, कैपिटल, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स, एवरीथिंग शुड बी रिक्वायर्ड इन इंडस्ट्री. प्रॉपर मशीनरी, ठीक है, यूज ऑफ मशीनरी, प्रॉपर ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड इन मॉडर्न इंडस्ट्री. दैट इज द रीजन द इंडस्ट्रियल एरियाज एंड पीपल आर नीडेड ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल. दे कैन नॉट रन विदाउट अ सफिशियंट फाइनेंस. दिस इज योर कमर्शियल बैंक हैव टू फाइनेंस स्मॉल एज वेल एज लार्ज इंडस्ट्री बाय गिविंग लोन. और जो कमर्शियल बैंक है, जरूरी नहीं वो लार्ज इंडस्ट्रीज को देता है, वो स्मॉल इंडस्ट्रीज को भी लोन देता है. दिस इज योर कमर्शियल बैंक, सीबीआई, राइट. इट्स कमर्शियल बैंक हैव टू फाइनेंस स्मॉल एंड लार्ज इंडस्ट्रीज बाय गिविंग लोन. मोबिलिटी ऑफ कैपिटल, तीन पढ़ चुके हैं, हमारा फोर्थ है. कैपिटल इज द मेन फैक्टर फॉर डेवलपिंग मॉडर्न लाइन ऑफ प्रोडक्शन. जैसे मैंने पहले आपको फर्स्ट वाले, थर्ड वाले पॉइंट में बताया, जो भी हम मॉडर्न लाइन ऑफ प्रोडक्शन है, मॉडर्न लाइन ऑफ प्रोडक्शन मीन्स हमारी मॉडर्न फैक्ट्रीज, ठीक है, उनके लिए हमें क्या चाहिए, ह्यूज कैपिटल चाहिए, ठीक है. कमर्शियल बैंक मोबिलाइज द डोमिनेंट कैपिटल ऑफ द कंट्री फॉर प्रोडक्शन पर्पस. कमर्शियल बैंक कॉन्ट्रीब्यूट टू द कैपिटल इन मोर यूजफुल प्लेसेस देन लेस प्रोडक्टिव प्लेसेस. दे कॉन्ट्रीब्यूट इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम. इसमें क्या कह रहे हैं, तो मोबिलिटी कर रहे हैं किसकी, कैपिटल की, हमारी पूंजी की. कैपिटल क्या, हमारी पूंजी, वो हमारा मेन फैक्टर है किसी भी मॉडर्न लाइन को बढ़ाने का, ठीक है. हम कोई भी काम कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए, पैसे, कैपिटल. कमर्शियल बैंक जो है हमारा कंट्री का, वो क्या कर रहा है, वो डोमिनेंट कैपिटल ऑफ द प्रोडक्शन पर्पस में लगा रहा है. उसको किसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, मोर यूजफुल प्लेसेस, जहां पर ज्यादा प्रोडक्शन है, जहां से ज्यादा कैपिटल आ रही है वहां पे, देन लेस प्रोडक्टिव प्लेसेस. कुछ ऐसी प्लेसेस होती है जो जहां पे लेस प्रोडक्शन होता है वहां पे लेस कैपिटल का इन्वेंशन होता है, ठीक है. दे कॉन्ट्रीब्यूट इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन. अगर हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा
हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, हम और लोगों को लाएंगे क्योंकि हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, उनसे उनकी इनकम बढ़ेगी, उनकी इनकम बढ़ी, एक लो लेवल पीपल की एक मिडिल लेवल की इनकम बढ़ी, उसका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, ठीक है, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट से बहुत सारी चीजें लिंक है हमारी, ठीक है। एक अच्छा प्रोडक्शन होना चाहिए, एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट से एक अच्छी इनकम, उससे उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, उसका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, ठीक है। बहुत कुछ होता है, नेशनल इनकम में भी हमारी ग्रोथ होगी, जब हमारी नेशनल इनकम होती है एक्चुअली में क्रॉस बर्स से थोड़ा सब कुछ इंक्रीज होगा, अगर हम मोबिलिटी ऑफ कैपिटल करेंगे, अगर हम एक अच्छी जगह पैसों को लगाएंगे और उससे अच्छा प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। हम फोर पॉइंट्स पढ़ चुके हैं, उनकी हम सब थ्योरी भी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये तीन ऐसे पॉइंट्स हैं, लिमिटेड फैसिलिटी, सेफ्टी और वैल्यूएबल्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जिसकी मुझे थ्योरी लगाने की थोड़ी बहुत नीड नहीं है मैं आपको, क्योंकि लिमिटेड फैसिलिटी हमें पता है, सेफ्टी और वैल्यूएबल्स हमें पता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मैंने आपको फोर पॉइंट में पढ़ा है, लिमिटेड फैसिलिटी। अब आपको अगर मैम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसका कैसे वो है इंक्लूजन, देखो लिमिटेड फैसिलिटी क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे को डेली पैसे ट्रांसफर करवाने हैं, मैं अपने अकाउंट से दूसरे उसके अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरा कजन डेली नहीं, दे आर स्टडी ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी इन लंडन, हाउ आई कैन ट्रांसफर मनी फंड मेनी फॉर्मेलिटीज हैज बीन डन इफ आई ट्रांसफर अ मनी From India to international to foreign country, I have to do many formalities in the bank. So remittance facility is very included. हम इधर से जाए, हम अपना visa ले, it is very costly for us. But हमें अगर अब कुछ करवाना है, कुछ dollars हमें अगर बाहर भेजने हैं, तो we generally use banking facilities, banking system. Very simple. Safety of valuables. Safety of valuables कैसे economic development में हमारा साथ दे रहा है. Safety of valuables का means क्या होता है? जितनी भी हमारे लॉकर फैसिलिटीज आज हमें बैंक प्रोवाइड करवाए, जितनी भी हमारी डॉक्यूमेंट्स, नॉट ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्नामेंट्स गोल्ड, वी आर टॉकिंग ऑल्सो अबाउट आर डॉक्यूमेंट्स, जो तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, उनको भी हम बैंक में रख सकते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आर सेवन पॉइंट, दिस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसा हो रहा है, वो कैपिटल फॉर्मेशन कर रहा है, प्रमोशन कर रहा है, मोबिलिटी ऑफ कैपिटल कर रहा है, फाइनेंस प्रोवाइड करवा रहे हैं किसको, इंडस्ट्री को और ट्रेड को, हमने चार पॉइंट्स पढ़े, इनमें यही तो था, वो पैसा हमारा अच्छी जगह जाएगा, प्रोडक्शन अच्छा होएगा, हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होएगा, हमारा सब कुछ बढ़ेगा, एक एम्प्लॉयमेंट से लोगों को बेरोजगारी खत्म होगी, लोगों को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उससे लोग क्या करेंगे, अपना स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, लेकिन उनकी इनकम बढ़ेगी, ठीक है, बहुत कुछ होगा, ठीक है, थ्री पॉइंट्स है। हेल्प इन पब्लिक फाइनेंस, बैंक क्या प्ले करते हैं, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन कलेक्टिंग फंड्स टू पब्लिक, दे ऑल्सो एक्ट एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर एंड फाइनेंस टू द गवर्नमेंट, प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक आर यूज एज अ सोर्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस, दे कलेक्ट द फंड थ्रू सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू द पब्लिक, क्या कह रहा है, हेल्प इन पब्लिक फाइनेंस, जो पब्लिक को फाइनेंस की जब नीड होती है तो उसमें भी हेल्प करता है, बैंक प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल कलेक्टिंग फंड्स टू पब्लिक, फंड्स कलेक्ट करते हैं पब्लिक में, एक्ट एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट व्हेन नीडेड, बैंक वर्ल्ड बैंक क्या करता है, इंडिया की गवर्नमेंट को भी, वो इंडियन गवर्नमेंट को, मैनी गवर्नमेंट्स को क्या देता है, लोन देता है, बैंक कौन देते हैं, बैंक, नॉट कमर्शियल बैंक बट वर्ल्ड बैंक, ठीक है, किसको प्रोवाइड कराता है, फाइनेंशियल एडवाइजर एंड फाइनेंस टू द गवर्नमेंट व्हेन नीडेड, ठीक है। प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक आर यूज एज अ सोर्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस, जितना भी गवर्नमेंट का पब्लिक सेक्टर मीन्स आर यूज एज अ पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक सेक्टर कौन है, हमारा गवर्नमेंट जो पब्लिक के लिए वर्क करती है, प्रॉफिट किसका, पब्लिक सेक्टर ऑफ द बैंक आर यूज एज अ सोर्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस, किसके काम आता है, सेक्टर का लोन पब्लिक फाइनेंस के लिए, हमारे लिए रोड्स बनाती है, लाइट्स लगाती है, मेनी थिंग गवर्नमेंट कैन डू फॉर अस, ठीक है, कभी कोई स्कीम ला रही है, कभी कोई स्कीम ला रही है फॉर SC ST, ठीक है, मेनी थिंग्स कैन बी डू, ठीक है, दे कलेक्ट द फंड्स टू सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी होती है, हमारा ट्रेजरी बिल क्या है, हमारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, ठीक है, उसको कभी का गवर्नमेंट हमारा बैंक सेल करता है, कभी परचेज करता है, हम ट्रेजरी बिल खरीद सकते हैं, मेनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आती है।
लास्ट टू पॉइंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एंड एडवाइजर। हमारा जो बैंक है वो रिप्रेजेंटेटिव और एडवाइजर की तरह कैसे वर्क करते हैं। बैंकिंग एक्टिविटीज आर यूजफुल, वेरी यूजफुल फॉर ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रीज। बैंक प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज एट लो कॉस्ट एज एन एजेंट ऑफ द बिजनेस यूनिट। ठीक है, बैंक क्या प्रोवाइड करता है, बैंक क्या प्रोवाइड करता है, जनरली हमें एक्टिविटीज ऐसी होती है बैंक की जो बैंकिंग प्रोवाइड सर्विस एट अ लो कॉस्ट एज एन एजेंट ऑफ द बिजनेस यूनिट। जो भी बिजनेस में इन्वॉल्व है उनको ऐसी सर्विस देता है जो उनकी बिजनेस यूनिट के लिए भी सही हो और उनको लो कॉस्ट पे हो। ठीक है, नेक्स्ट आप पॉइंट इज फाइनेंस टू प्रायोरिटी सेक्टर। प्रायोरिटी सेक्टर मीन्स लाइक एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। कमर्शियल बैंकिंग को क्या दे देते हैं, फाइनेंस प्रोवाइड करवा देता है। ठीक है, देखो जब एग्रीकल्चर को नीड होती है फाइनेंस की, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्टअप करने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को जनरली फाइनेंस की नीड होती है, तो बैंकों को क्या प्रोवाइड करता है, फाइनेंस करता है। गिव क्रेडिट टू ट्रेड एंड कॉमर्स, क्रेडिट देता है, क्रेडिट का मतलब उधार देता है किसको, ट्रेड एंड कॉमर्स को, हमारे व्यापार को बढ़ाने के लिए। वेयर द रिस्क इज लेस, वो ऐसे लोगों को देता है जहां पर रिस्क, पैसे आने का रिस्क कम होता है, ऐसे किसी को नहीं बांटता। वो पूरी चेकिंग करता है, पूरे अपने डॉक्यूमेंट्स फिल करवाता है, सब कुछ करता है जहां पे हमारा लॉस थोड़ा सा कम हो। ठीक है, और कमर्शियल बैंक हमें प्रायोरिटी सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री SSI।